बिना इंश्योरेंस के व्हीकल चलाने पर 2000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, इसलिए आपको अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी व्हीकल चोरी हो जाती है या आपकी व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें भी इंश्योरेंस काफी काम आता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से अपने व्हीकल का इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन व्हीकल इंश्योरेंस के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, ifco.tokyo.co.in। एक सिंपल सा यूजर इंटरफेस मिल जाएगा। बाय पर क्लिक करके आप कार बाइक का इंश्योरेंस ले सकते हैं, रिन्यू पर क्लिक करके आप रिन्यूअल करा सकते हैं, और क्लेम पर क्लिक करके आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि हमें टू व्हीलर का इंश्योरेंस लेना है तो बाइक पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर और एक मोबाइल नंबर डालकर गेट कोट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है, इसमें आप चूज करेंगे RTO ऑफिस। इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट चूज करेंगे, रजिस्ट्रेशन डेट आपको RC में मिल जाएगी, उसमें देख करके आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। यहाँ पर आप ईयर ऑफ मेक डालेंगे, ये भी आपको RC में मिल जाएगा। इसके बाद कंटिन्यू। इसके बाद आप चूज करेंगे आपकी व्हीकल किस कंपनी की है। इसके बाद आपको मॉडल चूज करना होगा। इसके बाद फ्यूल चूज करेंगे पेट्रोल। इसके बाद वेरिएंट चूज कर लेंगे। इसके बाद आपके सामने पॉलिसी डिटेल्स आ जाएगी कि आपकी लास्ट पॉलिसी कब एक्सपायर हो रही है और आपकी ये करंट पॉलिसी कब से शुरू होगी। तो यहाँ पर आप इनको एडिट भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको करंट पॉलिसी का पीरियड चेंज करना है तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। साथ ही यहां पर आप पॉलिसी पीरियड चूज कर लेंगे, आप इंश्योरेंस कितने टाइम के लिए लेना चाहते हैं, जैसे कि मैं 1 ईयर चूज कर लेता हूं। आपकी लास्ट पॉलिसी की एक्सपायरी की जो भी डेट है उससे अगली डेट से ये पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं लास्ट पॉलिसी की एक्सपायरी डेट चूज करता हूँ 2nd अक्टूबर, तो अब यहाँ पर ये 3rd अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। रिकैलकुलेट पर क्लिक करेंगे। अपनी व्हीकल की आपने जो भी डिटेल्स फिल की है उसके अकॉर्डिंग आपके सामने प्लान्स आ जाएंगे, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव विद 0D और कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी। इन तीनों में फर्क ये है कि थर्ड पार्टी में आपको सिर्फ थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस मिलेगा, मतलब कि अगर आपकी व्हीकल से किसी की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो सिर्फ उसी को ये इंश्योरेंस कवर मिलेगा। बाकी कॉम्प्रिहेंसिव विद 0D और कॉम्प्रिहेंसिव में फर्क ये होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव में कंपनी डेप्रिसिएशन के चलते वैल्यू घटाकर पैसा देती है, जबकि कॉम्प्रिहेंसिव विद 0D में डेप्रिसिएशन के चलते गाड़ी की वैल्यू नहीं घटाई जाती है। इसको आप एक एग्जाम्पल से ऐसे समझिए कि अगर आपने 5 लाख रुपए की एक गाड़ी ली और उसका आपने कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर ले लिया है, 1 साल के बाद आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उसमें 50,000 रुपए का खर्चा आता है, तो कंपनी डेप्रिसिएशन के चलते आपकी गाड़ी की वैल्यू को घटाकर आपको पैसे देगी और आपको 50,000 में से सिर्फ 30,000 रुपए ही मिल पाएंगे, बाकी 20,000 रुपए आपको अपने पास से डाल करके अपनी गाड़ी को सही कराना होगा। जबकि कॉम्प्रिहेंसिव विद 0D में कंपनी आपकी गाड़ी की वैल्यू को नहीं घटाएगी और आपको पूरे 50,000 रुपए मिलेंगे अपनी गाड़ी को सही कराने के लिए। सभी प्लान की डिटेल्स आप यहां प्लान डिटेल्स पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है अनलिमिटेड 0 डेप्रिसिएशन कवर। अब जैसे कि मैं ये प्लान लेना चाहता हूँ, चूज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर प्राइस डिसाइड हो गया है कि आपको कितने रुपए में इंश्योरेंस मिलेगा, तो अब आपको यहाँ पर बाकी डिटेल्स फिल करनी होगी। इसमें आप अपनी व्हीकल का इंजन नंबर, चेसिस नंबर और प्रीवियस पॉलिसी नंबर डालेंगे, मतलब पहले से जो आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है उसका आप नंबर डालेंगे। पहला इंश्योरेंस आपने किस कंपनी से लिया है वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। अगर आपकी व्हीकल हाइपोथेकेटेड है, मतलब बंधक है, आपने लोन लिया हुआ है व्हीकल पर, तो आप चूज करेंगे आपने लोन किससे लिया है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ HDFC बैंक। अगर आपकी व्हीकल बंधक नहीं है, आपने कोई लोन नहीं लिया हुआ है, तो आप इसको ब्लैंक रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको PUC सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है और यहाँ पर PUC सर्टिफिकेट की एंड डेट डालनी है। इसके बाद कंटिन्यू टू ऑनर डिटेल्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप ऑनर की डिटेल्स फिल कर दीजिए, मेल है, फीमेल है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, नॉमिनी का नाम डालेंगे, रिलेशन चूज करेंगे। इसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं और कंटिन्यू करेंगे।
इसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस फिल करना होगा और कंटिन्यू फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, कितना पेमेंट करना है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। पेमेंट आप पेटीएम या बिल डेस्क से कर सकते हैं। इसके बाद नीचे है सेव पेपर सेव ट्रीज, अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपको सिर्फ डिजिटल कॉपी मिलेगी इंश्योरेंस पॉलिसी की, जो आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सेंड कर दी जाएगी। लेकिन अगर आपको हार्ड कॉपी भी चाहिए बाय पोस्ट तो आप इसको अनचेक करेंगे और आपको हार्ड कॉपी भी मिलेगी जो आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दी जाएगी। इसके बाद आप टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। पेमेंट के आपको सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग। एक बार आप ये पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी सेंड कर दी जाएगी। इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी ईमेल आईडी पर और बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर भी सेंड की जाती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर कस्टमर केयर नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और साथ ही नीचे आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आप यहाँ क्लेम पर क्लिक करेंगे और यहाँ रजिस्टर क्लेम पर क्लिक करेंगे। इसमें आप यहाँ चूज कर लेंगे मोटर क्लेम इंटीमेशन, अपना पॉलिसी नंबर और व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर वैलिडेट करेंगे। इसके बाद डिटेल्स फिल करके आप सबमिट कर देंगे तो यहीं से आप इंश्योरेंस क्लेम भी कर सकते हैं। सो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि ऑनलाइन व्हीकल का इंश्योरेंस कैसे किया जाता है और आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।